महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच करीब एक साल पहले हुए सत्ता संघर्ष के मामले में आज फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता की मांग को लेकर भी आज फैसला आएगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़ी अपडेट एक बार फिर से आपको बता दूं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच करीब एक साल पहले हुए सत्ता संघर्ष के मामले में आज फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता की मांग को लेकर आज फैसला आएगा। यानी शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में जो राड छिड़ी थी, आज उस पर सुप्रीम फैसला आना है। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने को आज इस पर सुप्रीम फैसला आएगा और 5 जजों की बेंच सुनाएगी इस पर फैसला। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता दें। उद्धव की शिवसेना को लेने के बाद शिंदे गुट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बहुत अहम फैसला आज होने वाला है। 22 फरवरी से 9 दिन तक केस सुना। आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या हुआ था, ये बड़ी खबर इस वक्त की। 16 मार्च को दलीलें संविधान पीठ ने सुनकर इसमें दलीलें पूरी हुई, यानी दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। राज्यपाल का आदेश, उद्धव रद्द करना चाहते हैं। जून 2022 राज्यपाल ने फ्लो टेस्ट कराया और शक्ति परीक्षण राजभवन नहीं सदन में, ये उद्धव गुट ने कहा। और आपको यह भी बता दें, तुषार मेहता महाराष्ट्र राज्यपाल के पक्षकार हैं, जो इसमें अपना पक्ष रखा, जिन्होंने अपनी दलीलें रखी थी। कपिल सिब्बल उद्धव गुट के पक्षकार हैं। अब संजय राउत ने इस पर क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। मैंने ये कहा है कि जो निर्णय लिया था, जो 16 विधायक थे उनके पत्रात डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के चेयर पर मिस्टर झिरवळ बैठे थे, उसने डिस्क्वालीफाई किया है। तो अगर ये फिर एक बार विधानसभा अध्यक्ष के पास निर्णय जाना है तो झिरवळ के पास ही जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं किसको ईडी का नोटिस भेजा है, लेकिन हमने ये सब कुछ भुगत कर बाहर आए हैं। उनका पार्टी का मामला है, किसको ईडी की नोटिस है किसको नहीं है, और उनके पार्टी में इतने बड़े बड़े शेर बैठे हैं तो शेर गर्जना करेंगे। अभी अजीत पवार ने बोला है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, फैसला कुछ भी आए। किस सरकार को खतरा नहीं है, बीजेपी सरकार को या शिंदे सरकार को? मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का एमपी हूं, मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूंगा अगर 16 MLA डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा। और मेरे सहयोगी अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, पॉइंट वाइज आप समझाइए हमारे दर्शकों को, आज का दिन हम क्यों कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है? देखिए प्योदी, क्योंकि ये जो मसला है वो सिर्फ शिवसेना विवाद से ही जुड़ा मसला नहीं है, भविष्य के जो संवैधानिक विवाद होंगे उसकी रूपरेखा भी ये तय करेगा। 11 सवाल संविधान पीठ के सामने है, जो मुख्य सवाल है मैं उनको एक बार बता देता हूँ। पहला सवाल तो यही है कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ उसको हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग है तो क्या वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ले सकता है? तीसरा सवाल ये है कि अगर स्पीकर का डिसीजन भी नहीं है तो क्या सिर्फ किसी विधायक को उसके एक्शन की वजह से, उसके कार्य व्यवहार की वजह से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? एक सवाल ये भी है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग है किसी विधायक के खिलाफ तो क्या वो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है? सवाल ये भी है कि अगर विधानसभा की कार्रवाई में वो हिस्सा ले लेता है और बाद में उसको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाता है तो इस दरमियान जो उसने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया हुआ है उसको कैसे देखा जाएगा? मसलन अगर उसने फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया हुआ है तो उसके नतीजे को कैसे देखा जाएगा? इसके अलावा गवर्नर की भूमिका को लेकर के भी सवाल है कि क्या गवर्नर के किसको सरकार के लिए आमंत्रित करते हैं, उसकी स्क्रूटनी हो सकती है क्या? इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर के भी सवाल है। ये तो मुख्य सवाल हुए, लेकिन अगर सार रूप में देखा जाए तो मुख्य बात ये रहेगी कि जो फिलहाल की शिंदे सरकार है उस पर खतरा तभी आ सकता है जब कोर्ट ये तय कर दे कि जो शिंदे और जो बाकी के जो विधायक थे, जब उन्होंने सरकार का गठन किया
उस वक्त वो अयोग्य थे। लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल ये भी है पीओधी, वो ये कि 288 के करीब सदस्य हैं विधानसभा के, उनमें से 160 से ज्यादा विधायकों का बहुमत है शिंदे सरकार के पास। अगर 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो भी जाते हैं तब भी बहुमत का आंकड़ा उनके पास रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदल सकता है क्योंकि शिंदे भी उन 16 में शामिल है। लेकिन एक सवाल और भी है, वो ये कि सिर्फ ये भी एक चूंकि सवाल है कोर्ट के सामने कि क्या किसी विधायक को सिर्फ उसके एक्शन की वजह से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है विदाउट स्पीकर के डिसीजन के, तो इसकी परिधि में तो फिर शिंदे ग्रुप के सारे विधायक आ जाएंगे जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के डिप्टी स्पीकर को तब ठाकरे ग्रुप ने लिखा था। तो सवाल बहुत सारे हैं। 11 बजे के करीब फैसला आने की उम्मीद है। पहले दिल्ली का जो विवाद है उसको लेकर के फैसला आएगा और उसके बाद वही बेंच पढ़ेगी फैसला शिवसेना विवाद को लेकर के भी। अभी संजय राउत को हम सुन रहे थे, अरविंद उन्होंने ये कहा कि हाँ खतरा तो है, उन्होंने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को लेकर कहा कि हमें इतना पता है कि अगर वो भी अयोग्य साबित हो जाते हैं तो ये एक बड़ा झटका होगा और फिर चेहरे को लेकर जो लड़ाई होगी वो एक अलग माथापच्ची है फिर। हाँ बिल्कुल, देखिए जो 16 विधायक जिनको शुरुआत में जिनको लेकर के अप्रोच किया गया था ठाकरे ग्रुप की तरफ से, उनमें से शिंदे भी शामिल है, ये एकदम क्लियर बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 288 में से 160 से ज्यादा का बहुमत उनके पास है, तो एक ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। एक सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि फैसला सुरक्षित रहते वक्त कहा था, उनका ये कहना था कि उद्धव ठाकरे ग्रुप ये चाहता है कि पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया जाए, यानी जब ये विवाद शुरू हुआ उस वक्त की स्थिति को बहाल कर दिया जाए। लेकिन क्या हम किसी ऐसे सीएम को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बहाल कर सकते हैं जिसने फ्लोर टेस्ट का भी इंतजार नहीं किया, जिसने फ्लोर टेस्ट का नतीजा आने से पहले ही रिजाइन कर दिया? एक सवाल ये भी है। दूसरा ये कि अगर गवर्नर के रोल को कोर्ट गलत भी पाता है अपनी टिप्पणियों में, लेकिन सवाल ये भी तो है कि गवर्नर के रोल को लेकर के संवैधानिक सवाल उठ सकते हैं। लेकिन गवर्नर ने जो डिसीजन लिया व्यवहारिक तौर पर तो वो निकल गया। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले रिजाइन कर दिया और शिंदे ने बहुमत को विश्वास मत हासिल कर लिया, बहुमत का आंकड़ा विधानसभा के पटल पर साबित कर दिया। कपिल तो इस लिहाज से भी रखा है, कपिल पुरानी स्थिति बहाल है। अरविंद जो बात जिस बात का जिक्र आपने किया, कपिल सिब्बल ने इस गवर्नर के रोल को लेकर कई दलीलें पेश की, इस पर मैं आपके पास वापस आऊंगी। अंकुर मेरे साथ जुड़ गए, अंकुर इस वक्त बताएंगे अपडेट। अंकुर आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरह की हलचल है, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद से ही लगातार जो मूवमेंट है वो वहाँ शुरू हो गया है। दोनों गुट का जो उद्धव ठाकरे का गुट है उसकी तरफ से अनिल परब हैं, अनिल देसाई हैं, वो दिल्ली पहुँच गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग में शामिल होंगे आज की जब वर्डिक्ट सुनाया जाएगा। इसके अलावा राहुल शिवाले जो हैं, जो एकनाथ शिंदे गुट से आते हैं, जो शिवसेना से आते हैं, वो भी दिल्ली कल शाम को ही रवाना हो गए थे। इसके अलावा कल रात को खबर आई थी कि जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे वो मुंबई आकर अपने जितने भी तमाम दल के तमाम जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि वो उसके बाद सीधे थाने चले जाते हैं, लेकिन सुगबुगाहट जरूर इस बात की है। जो दोनों पार्टियां, मैं खास तौर पे बीजेपी की बात कर रहा हूँ और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से नॉर्मलाइज वे में इस पूरे आज के हलचल को दिखाने की कोशिश कर रही है। उनका जो रूटीन आया भी है स्केड्यूल, वो भी बेहद नॉर्मल तरीके से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट बहुत है। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ जाएगा, क्या 16 जो विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? अगर कर दिया जाएगा तो उसके रेपरकशंस, पॉलिटिकल रेपरकशंस का क्या होने वाले हैं? क्या जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, क्या बीजेपी उसको, बीजेपी और जो शिंदे सरकार है उसको छू रही है या नहीं छू रही? ये तमाम सवाल हैं, हालांकि इनके जवाब बिल्कुल क्लियर हैं। अभी तक ऐसा कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर इन 16 मेंबर में जो कि एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं जो सीएम हैं, अगर मान लीजिए एक एक्सटेंट पे जाकर के उनको भी अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो बावजूद उसके एक तरीका होता है कि उनको वाया जो एमएलसी का जो रूट होता है, जो 6 महीने का वक्त होता है, उसके जरिए वापस लाकर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम जो संभावनाएं हैं राजनीतिक, उनका अपना एक जगह है, उनकी अपनी जगह बनी हुई है। लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का है कि फैसला क्या आता है, क्या कार्यपालिका जो है वो विधायिका के कार्यक्षेत्र में अपना फैसला सुनाएगी, या क्योंकि अपने आप एक नजीर बन जाएगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद कई जो राजनीतिक उठापटक होंगे उसको इस पूरे मुद्दे को एक एज रेफरेंस पॉइंट पे के तौर पे लिया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या कार्यपालिका, बिल्कुल जो महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहली बार हुआ हो, इससे पहले भी कई गुटों को हमने उनका बिखराव और किसी दूसरे से गठजोड़ देखकर सरकार बनाते हुए देखा है। Z News.